राजस्थान के बांसवाड़ा में आदिवासियों ने अलग भील प्रदेश की मांग को लेकर फिर से आवाज उठाई। बीते दिन भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत और विधायक जयकृष्ण पटेल के नेतृत्व में मानगढ़ धाम में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। रैली में भील प्रदेश की मांग को लेकर एक नए संघर्ष का ऐलान किया गया। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं धनगरी न्यूज। सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भील प्रदेश की मांग हमारे पूर्वजों की मांग थी, हम इस मांग को फिर से उठा रहे हैं, ये मांग पूरी होनी चाहिए, हम आसपास के राज्यों के आदिवासियों का समर्थन लेकर ये मांग उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल 39 से ज्यादा जिलों को मिलाकर एक अलग भील प्रदेश बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर राजस्थान विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी विधायक थवरचंद ने सदन में भील प्रदेश की मांग उठाई, लेकिन राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अलग भील प्रदेश की मांग को खारिज कर दिया। जनजाति क्षेत्रीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अलग से भील प्रदेश की मांग पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी बोले कि विकास के लिए छोटा राज्य कारगर होता है, लेकिन जाति आधार पर अलग राज्य की मांग करना सही नहीं, ऐसा हुआ तो अलग अलग जाति समाज के लोग राज्यों की मांग करने लगेंगे, जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ने लगेगा। हमारी सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा जैसी प्राथमिक सुविधा हमेशा फोकस किया है। विकास को लेकर बाबूलाल खराड़ी बोले कि ये कहना गलत है कि आदिवासी इलाके में डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्रत्येक गांव को डांबर की सड़क से जोड़ने का काम हुआ, कुछ वन विभाग की जमीन है उस पर जरूर कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि वो कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए, नौकरियों में अलग आरक्षण की व्यवस्था की गई, इसलिए यह कहना गलत है कि सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। खराड़ी आगे बोले कि जो मांग कुछ नेता कर रहे हैं, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन इस तरह की मांग ठीक नहीं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए धनगरी न्यूज। शुक्रिया।